नहीं हुए, मर्यादाओं में रहे, तो हम तो कहेंगे हम लोग तो उसी आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। आज जो हो रहा है खुलेआम रेस्पेक्ट, जनता जब मेला वगैरह कितनी दिक्कतें, लेकिन यहाँ आज तो कुछ है, पुलिस वालों ने अधिकारियों ने यहाँ पर बहुत सहयोग दिया है। और कुछ होते हैं जिनके मन ठीक नहीं होते हैं, अगर यहाँ पर मेला लगता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने व्यापारियों को रोजगार मिलता है, और रोजगार के साथ साथ कितने यहाँ के क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिलती हैं, कितना अच्छा लगता है। कितनी कितनी यहाँ पर भीड़ होती है, 12 तारीख से बिल्कुल लगातार चल रहा है, और हम तो चाहते थे कि ये दुकानदारों को कम से कम धनतेरस तक तो इनकी दुकानें लगी रहे तो क्या दिक्कत, क्या दिक्कत। हम तो डीएम साहब से कल कहेंगे, एसएसपी साहब से कहेंगे, अगर धनतेरस तक अगर दुकानें बनी रहे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें सब छत पर मेला कमेटी को तो धन्यवाद दे ही रहे हैं, देते हैं कि ऐसा बढ़िया व्यवस्था, और जो यहाँ पर आज आखिरी दिन यहाँ पर साहित्यकार कवियों को शायरों को बुलाया है, जो हमेशा अपनी लेखनी से वाणी से हिंदी को बढ़ावा देते हैं, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं, और ऐसी ऐसी कविता ऐसे ऐसे शब्द कह करके इतने गुण बात कह जाते हैं जिससे समाज को देश को बहुत ही कुछ मिलता है। तो इसलिए हम कवियों का भी और सीनियर एडवोकेट प्रदीप गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, और यहाँ जो हमारे नेताजी और नेताजी के साथ अजय लंबद्दा जिनकी याद में ये कवि सम्मेलन हो रहा है, मैं उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। पिछले साल से हमारे बीच में नहीं है, पिछले साल इसलिए कवि सम्मेलन सभी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुए थे, इस वर्ष हम यहाँ की जिला मेला कमेटी ने पूरा पूरा यहाँ पर मेला कराया, बढ़िया मेला कराया, इसके लिए हम मेला कमेटी को धन्यवाद देते हैं। और जो देश के राष्ट्रीय कवि यहाँ पर आए हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद।